आप सभी को आज एक और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉर्पोरेट एफडी के फायदे और नुकसान के बारे में। अगर आप हाई रिस्क के साथ कॉर्पोरेट एफडी में पैसा निवेश करना चाहते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। निवेश के तमाम साधन होने के बावजूद फिक्स डिपोजिट आज भी लोगों का पसंदीदा विकल्प है, क्योंकि इसमें लोगों की गारंटी रिटर्न मिलता है और उनका पैसा भी सुरक्षित रहता है। अगर आप भी ऐसे निवेशकों में से एक है तो आपको एक बार कॉर्पोरेट एफडी के बारे में जानना चाहिए। कॉर्पोरेट एफडी का फायदा यह है कि इसमें आपको बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा मुनाफा मिलता है। जानिए क्या होती है कॉर्पोरेट एफडी और इसके फायदे नुकसान आज के वीडियो में। बैंक एफडी को बैंक जारी करती है, लेकिन कॉर्पोरेट एफडी तमाम कंपनियों द्वारा जारी की जाती है। कॉर्पोरेट एफडी के जरिए कंपनीज अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों से फंड जुटाती है। ये एफडी भी बिल्कुल बैंक एफडी की तरह ही काम करती है। इसके लिए कंपनी निवेशकों से एक निश्चित समय के लिए पूंजी लेती है और ग्राहकों को ब्याज समेत रकम वापस करती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट एफडी में बैंक एफडी की तुलना में बेहतर ब्याज दर ऑफर किया जाता है। आमतौर पर कॉर्पोरेट एफडी का मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से लेकर 5 साल तक की होती है। बैंक की तरह इसमें भी अलग अलग अवधि के लिए ब्याज दर अलग अलग होती है। जिस तरह बैंक में बुजुर्गों को एफडी पर अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है, उसी तरह तमाम कॉर्पोरेट एफडी में भी बुजुर्गों को सामान्य एफडी के मुकाबले अतिरिक्त ब्याज दिया जाता है। इस एफडी से क्या होती है नुकसान? आमतौर पर बैंक एफडी को निवेश का सुरक्षित विकल्प माना जाता है, क्योंकि इसमें रिजर्व बैंक के सख्त नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन कॉर्पोरेट एफडी में बैंक एफडी के तुलना में जोखिम थोड़ा ज्यादा होता है। बैंक डूबने पर जमा रकम पर DICGC के तहत इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, लेकिन कॉर्पोरेट एफडी पर इस तरह का कोई इंश्योरेंस नहीं होती। अगर कंपनी डूब जाए तो आपका पैसा भी डूब सकता है। हालांकि अगर आप अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों में पैसा लगाए तो जोखिम काफी कम हो सकता है। कॉर्पोरेट एफडी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के 10 से 20 साल तक की रिकॉर्ड देख ले। सीधा शब्दों में समझा जाए तो कॉर्पोरेट एफडी कंपनी द्वारा जारी किया गया एक एफडी है, जो अपने कार्यरत के लिए फंड जुगाड़ करती है। एक निश्चित अवधि के आधार पर एक निश्चित किया हुआ इंटरेस्ट रेट अपने इन्वेस्टर को देती है। बैंक एफडी के तुलना में कॉर्पोरेट एफडी में रिस्क काफी ज्यादा होता है, लेकिन इससे मिलने वाला इंटरेस्ट भी बैंक के तुलना में अधिक होता है। लेकिन आपको भी अगर कॉर्पोरेट एफडी में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप सबसे पहले उस कंपनी के 10 से 20 साल तक का फाइनेंशियल रिकॉर्ड जरूर जांच ले और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह जरूर ले ले, तब जाकर अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। और साथ में याद रखें कि जहां ज्यादा रिस्क होगा वहां आपको इनकम और मुनाफा ज्यादा होगी। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो से आपको कुछ जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी।